नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। पेश है ये खास रिपोर्ट। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन मेहर चंद गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय को दोगुना करने का संकल्प लिया है। किसान कृषि कार्यों के लिए पशुपालन का कार्य भी करें। पशुपालन के कार्य से किसानों की आर्थिक आय में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग हरियाणा द्वारा किसानों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई है। पशुपालन करने हेतु किसानों को अनुदान दिया जा रहा है। वाइस चेयरमैन मेहर चंद गहलोत सोमवार को पलवल के गाँव धतीर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित एक जिला स्तरीय पशु प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर जिला उपायुक्त यशपाल, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की उप निदेशक नीलम आर्य सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। पशु प्रदर्शनी में 135 पशुपालकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन मेहर चंद गहलोत ने कहा कि हरियाणा में दुधारू गाय व भैंसों की डेयरी खोलने पर अनुदान दिया जा रहा है। हरियाणा पशुपालन विभाग की सभी योजनाएं अब सरल हरियाणा पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। पोर्टल पर जाकर पशुपालक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। पशुपालन करने से बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि कृषि का काम तो 4-6 महीने का होता है पूरे साल में, और पशुपालन का काम ये पूरे साल भर चलता है। इसलिए हमारे विभाग की बहुत योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं की जानकारी समय समय पर हमारे विभाग के अधिकारी गांव में मेला लगाकर, गांव में शिविर लगाकर देते रहते हैं। उन सबकी जानकारी हम सबके पास ऑनलाइन भी उपलब्ध है। जिला उपायुक्त यशपाल ने कहा कि पशुपालन एक मुनाफे का कार्य है। वर्तमान में गाय व भैंस की उन्नत किस्म की नस्लें आ रही हैं, जिनसे दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। पशुपालकों को ऐसी नस्लों का लाभ उठाना चाहिए। उपायुक्त ने कहा कि पशुपालन के प्रति किसानों को जागरूक करना जरूरी है। हरियाणा सरकार ने भी पशुपालकों के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। सभी योजनाओं पर अनुदान दिया जा रहा है। उपायुक्त ने कहा कि कृषि कार्य करने के साथ ही किसान पशुपालन को अपनाएं, उच्च कोटि के पशुपालकों को ख्याति दिलाने का कार्य करते हैं। बाद में हमें नजर आती थी, वो पशु भी नजर आते थे, और खेती का अगर मैं कहूँ कि वो हिस्सा होते थे। बहुत सारे फॉर्म्स में, चाहे उसको हम बैलों को हल जोतने में यूज करते थे, ऊँटों को करते थे, या दूध के लिए यूज करते थे, या जो गोबर होता था वो खाद के तौर पर यूज करते थे। तो पशु खेती का बहुत बड़ा पार्ट था। पशु एक इतना सेफ इन्वेस्टमेंट है। आज के दिन जब डॉक्टर्स और मेडिसिन इतनी एडवांस हो गई हैं, तो छोटी मोटी जो बीमारी होती थी उसको काबू कर दिया है, उन्नत किस्म की नस्लें आ रही हैं, तो वो आज भी इतना सेफ आपका किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट है जो वापस रिटर्न आपको देता ही देता है, और कम से कम आपकी चेता ध्यान तो रखता ही है। हमारे आज भी गाँव के जरिए है कि सबसे पहले हम अपने लिए यूज करते हैं, बचता है तो बाहर की तरफ दूध को और बाकी घी को भेजते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।